डेवलपमेंट यदि होता तो आज इस गांव का ये आप ये हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे की ये हालत है। यहाँ पे जांग भर पानी हो जाता है बारिश के दिनों में, ये स्टेट हाईवे है। तो ये केवल हमारे स्थानीय स्तर पे काम नहीं हो रहा है, देश में राज्य में काम हो रहे हैं लेकिन स्थानीय स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा बिहार मोदीमय है लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनसे जनता का किसी भी तरह का मदद नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जो विधायक है वो विधायक कुछ कर ही नहीं पाए, उसको ये ध्यान नहीं है कि जो सरकारी बिल्डिंग बन गया काहे के लिए बना सरकारी बिल्डिंग। सरकार तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य से शिक्षा सड़क सब कुछ इतना सहूलियत हो गया है तो कहाँ वो शहर के लिए है, गाँव के लिए नहीं है। जो हम कर रहे हैं तो मेरा बेटा वो करे। यदि नौकरी की बात होती है, रोजगार की बात होती है तो सारे लोगों को होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जाति विशेष को होना चाहिए। स्थानीय विधायक को हम लोग बहुत बार कंप्लेन कर किए थे लेकिन उनका कोई सुनवाई ही यहाँ पर नहीं हुआ। और सांसद तो गढ़ी माई है, काम हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ। चिड़ैया विधानसभा क्षेत्र के देवापुर पंचायत में पहुँच चुकी है न्यूज फॉर नेशन की टीम और ये तस्वीरें सड़क की है किसी नदी की नहीं। विकास की कितनी योजनाएं पहुंची है ये बताने के लिए काफ़ी है, सड़क का हाल बताने के लिए काफ़ी है और किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ये भी बताने के लिए काफ़ी है क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मोटरसाइकिल के सहारे चिड़ैया विधानसभा के मिजाज की तस्वीर जानने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देवापुर पंचायत में और जानेंगे क्या कहते हैं इस क्षेत्र की जनता। तो आइए हर 5 साल के बाद जनता की बारी और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में क्या है विधानसभा का हाल ये जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। चिड़ैया विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है ये आप बताइए। सर अभी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं जनता इन्हें बहुत उम्मीद के साथ चुना था और आज पूरे देश मोदीमय है, पूरा बिहार मोदीमय है लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे जनता का किसी भी तरह का मदद नहीं हो रहा है। चाहे ब्लॉक में पैरवी हो, अनुमंडल में पैरवी हो, कहीं किसी का बात नहीं सुना जा रहा है और जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमें ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो जनता की आवाज़ को दबाने का काम करे, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। हमारे ऐसा प्रतिनिधि चाहिए और वो प्रतिनिधि एक ही है जो ढाका चिड़ैया के आन बान शान श्री अवनीश कुमार सिंह। मैं भाजपा के तमाम महानुभाव नेता से कहना चाहूँगा कि अगर चिड़ैया की सीट वापसी चाहते हैं तो फिर से हमारे भूतपूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए, नहीं तो ये सीट निश्चित रूप से लूज हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? विधानसभा में चिड़ैया में कोई काम नहीं हुआ है, लाल बाबू गुप्ता कोई काम नहीं किया है। जैसे हम लोग बाढ़ से भी तंग था लेकिन कभी भी आकर देखा भी नहीं कि क्या है इस गांव के हालत। कोई काम यहाँ कमरतुआ लोग भी आता है कभी नहीं देखने आता है। मतलब जीत के गए तो फिर आए नहीं? नहीं कभी नहीं, एक बार आया वो पोखरा में जो उस जगह 10 गो बात सुनकर गांव वाला सब उसको चहेट दिया। अगर वो रहा तो उसको एक वोट हम लोग नहीं देंगे। हाँ इस क्षेत्र को विधायक लाख है तो वह अवनीश सिंह है, बाकी कोई नहीं। आप बताइए विधायक जो नहीं हो पाया आपके क्षेत्र में जिसके कारण? लोग सब लोग कह ही रहा है काम कुछ तो हुए नहीं किया है तो क्या बताएगा काम का। विकास चाहिए गांव में सब चीज़ का। बहुत आदमी का राशन कार्ड नहीं है, खाने के लिए बहुत आदमी का राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन सब पास क्या नहीं है, आपको क्या नहीं है? सबका वही हाल है जिसमें पूरे जनता। क्या हो गया 10 साल इस गांव में? 10 साल पहले हॉस्पिटल तैयार हो गया है लेकिन अभी तक ले ना उसका कोई मतलब कि देख रुख सुन रहा, ना कोई डॉक्टर है जो यहां से न रोड न कोई सुविधा होते हुए लोग मोतिहारी या कहां कहां जाकर इलाज कराने के लिए बाध है। लेकिन यहां कम से कम एक डॉक्टर हो जाता, नर्स हो जाती तो यहाँ की सुविधा हो जाती है यहाँ की जनता के लिए। तो हम कहते हैं कि से जो विधायक है वो विधायक कुछ कर ही नहीं पाए, उसको ये ध्यान नहीं है कि से सरकारी बिल्डिंग बन गया काहे के लिए बना सरकारी बिल्डिंग।
देख रेख करने के लिए, माल जाल करने के लिए। मतलब डॉक्टर है ये नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ, ना डॉक्टर है ना कुछ नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर है कि नहीं है? नहीं है। हमको भी ऐसे बात है कि कुछ राशन पहले मिलता था, इसके बाद में मोटा मोटी माने कि 5-6 महीने से बंद हो गया। 7 महीने से लगभग राशन बंद है, नहीं मिल रहा है, नहीं कोई दे रहा है। बाकी 7 महीने से पहले वही सब है, दूसरा क्या चीज होगा हम लोग। 2 महीना मिला है सही, इसके बाद नहीं मिला है किसी को, नहीं मिला इसके बाद, 6-7 महीने बंदे बंद है आज तक। अच्छा, कोरोना संकट जो हुआ उस दौरान क्या लगता है अस्पताल की स्थिति कैसी थी? अरे यहाँ अस्पताल में तो न डॉक्टर है न कोई व्यवस्था है, तो क्या जो है रहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य से शिक्षा सड़क सब कुछ इतना सहूलियत हो गया है, तो कहाँ वो शहर के लिए है, गांव के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। स्थानीय स्तर पे जब बीजेपी की शासन नहीं था, गठबंधन की सरकार नहीं थी, जब अवनीश बाबू यहाँ विधायक थे 20 साल उन्होंने रहा, लेकिन उस समय उनकी सरकार नहीं थी, जब सरकार आई वो सरकार में नहीं थे, इसके वजह से आज नुकसान हो रहा है। आज के डेट में यदि कोई इस विधानसभा को आगे ले जा सकता है, इस क्षेत्र को आगे ले जा सकता है, तो अवनीश बाबू हैं। मतलब पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये तमाम जनता कह रही है। ये जो है गाड़ी बॉक्स छाप ये विधायक जी हमारे लाल बाबू गुप्ता, जो गाड़ी में एकदम बक्सा में बंद हो गए, और अपना आवास बकरी से पटना चले गए। बीच में जनता उनकी, जनता की पुकार उनको सुनाई नहीं देती है, जो जनता पुकारती भी है फिर भी सुनाई नहीं देती है। तो हमारे अभी माननीय विधायक लाल बाबू गुप्ता जी यही है, लेकिन चिरैया के हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए। कैसा विधायक चाहिए क्षेत्र? हमको विधायक ऐसा चाहिए जो विकास पे विकास करे, जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ सुने, और ऐसा एक ही विधायक है अवनीश कुमार सिंह, जो पहले भी इसमें 5 सालों तक राज किए, लेकिन 5 सालों से इसको एकदम जंगल राज बना दिया गया इस चिरैया को, जो लाल बाबू गुप्ता जी बनाए। लेकिन बहुत आशापूर्वक से हम लोग ने विधायक इनको बनाए थे, लेकिन उस पर हर चीज़ पर विफल रहे। आप आइए, कुछ और युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या हम युवाओं मांग करना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता से कि अवनीश कुमार सिंह को टिकट दी जाए जी। क्यों वो विकासपुरी से उन्होंने 20 साल तक विधायक थे, उन्होंने विकास किया, और लाल बाबू गुप्ता जी विकासपुरी से नहीं है। रोजगार को लेकर कभी बात किया उन्होंने? स्वास्थ्य को लेकर कभी बात किया? शिक्षा को लेकर कभी बात किया? शिक्षा और रोजगार के बारे में कभी ने वो बात नहीं की। स्कूल कॉलेज को लेकर क्या स्थिति है यहाँ की, कोई बता सकते हैं? स्कूल कॉलेज मिडिल स्कूल है, हाँ। कॉलेज नहीं है, हाँ। हाई स्कूल की अभी प्रोग्रेस नहीं आई है, हाँ। बच्चे को बाहर जाना पड़ता है कम से कम 7-8 किलोमीटर, तब जाके स्कूल नसीब होती है। स्कूल की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पंचायत होते हुए भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट यदि होता तो आज इस गांव का ये आप ये हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे की ये हालत है। यहाँ पे जान तो ये केवल हमारे स्थानीय स्तर पे काम नहीं हो रहा है, देश में राज्य में काम हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर कभी विधायक जी से मुलाकात बात हुई? कितने बार हमने विधायक जी को यहाँ बोला था। एक चीज बताइए, क्या लगता है ये जो स्वरोजगार योजना, ये आप खुद का है या फिर किस कुछ और है? ये नहीं, खरीद के बेचते हैं, मेरा खुद का नहीं है। खुद का नहीं, खरीद के बेचते हैं। क्या लगता है रोजगार की संभावना है यहाँ पर? सरकार जितना दावा करती है, वादा करती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, अभी तो नहीं लगता है उसका की देंगे। मतलब अपना कमाओ अपना खाओ, ऐसा ही चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है। कितना कमा लेते होंगे? 300-400। तो देखिए ये तस्वीर देखिए, एक बाइक में कितनी सारी चीज़ें, बिल्कुल आपको लगेगा कि, और ये हकीकत है, अगर क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर इनको ये तस्वीरें अगर देखने को मिल रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी को जीने के लिए कितनी चीज़ें इकट्ठा करता है, तब जाकर दिन भर वो बेचता है, और तब जाकर शाम को 2 जून की रोटी नसीब होती है। क्या कहना चाहेंगे आप, दिल से बताइए। किस बारे में? रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, ताकि इस तरीके से आप चाहेंगे आपका बेटा इस तरीके से? नहीं, कोई भी नहीं चाहेंगे कि आप जो हम कर रहे तो मेरा बेटा वो करे, आगे बढ़े, सब चाहता है। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे, अपने विधायक, क्षेत्र के विधायक से क्या मांग करेंगे? क्षेत्र के विधायक से क्या मांग करेंगे, वही रोजगार दे। लगता है आपको इस बार वोट देंगे ना आप?
तो वोट देंगे, वोट तो देते ही है। वोट देते हैं तो आप उम्मीद करते होंगे? तो उम्मीद कर कर ही वोट देते हैं कोई भी। हाँ। उम्मीद कर रहा है कि हाँ, उम्मीद है करते हैं कि आपको लगता है कुछ परिवर्तन होगा? हम पर नहीं लगता है। देखिए ये क्या नाम हुआ आपका? अनवर। अनवर, अनवर। देखिए अनवर जी, जैसे लाखों लोग हैं, ये हकीकत है देश की, ये हकीकत है बिहार की, ये हकीकत है चिरैया विधानसभा क्षेत्र की, जहां रोजगार के लिए खुद से सृजन करना पड़ता है। और आप अंदाजा लगाइए इनके पास कितना सब कुछ होने की। बात चिरैया का नहीं, बात किसी भी विधानसभा क्षेत्र का हो, एक तस्वीर काफी होती है, एक चावल का दाना काफी होता है बताने के लिए, चाहे किसी आप किस जिस किसी भी विधानसभा क्षेत्र की। ढाका विधानसभा। ढाका विधानसभा, ठीक है, आप ढाका ही विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन ढाका के विधायक जी तो देख ही रहे होंगे ना, ये कोई भी जो होंगे वो देख ही रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये तस्वीर है, और ये बच्चे हैं, ये भविष्य हैं, इन भविष्य को देखिए। कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से, सब कोई चाहता है कि शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, क्योंकि ये सरकार, लोकतंत्र, सिस्टम इसी के लिए बना है। लेकिन अगर इस सिस्टम से कोई ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जनता 5 साल में जवाब देने से नहीं चुकेगी। आप तो युवा हैं, बताइए क्या रोजगार के संबंध में बताएं कि समाज के विकास के संबंध में? दोनों संबंध में बताइए, आप अपने क्षेत्र के विधायक के संबंध में। हमारे क्षेत्र के विधायक का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो विधायक लायक आदमी नहीं है। उनमें ना तो विधायक का कितना कार्यकाल होता है ये भी नहीं उनको पता होगा, ना उनको ये पता होगा कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है किस परेशानी में है, उनको क्या क्या चाहिए, उनका जो बुनियादी जरूरी बात है, इन सारी चीज़ों की जानकारी विधायक को नहीं है। यदि जानकारी होती तो कम से कम क्षेत्र में आकर मिले होते लोगों से, उनकी जो व्यवस्था नहीं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि देवापुर पंचायत है, मैं इस ग्राम का वासी हूँ, बहुत दिन से बचपन से यहीं रह रहा हूँ, लेकिन मुझसे आज तक उनकी मुलाकात नहीं है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार कहाँ चल रहा है? स्नातक किया है, स्नातक करने के बाद मैं बेरोजगार हूँ, और यह बेरोजगारी की मुख्य यदि भूमिका कहा जाए तो यहाँ की सरकार की है। रोजगार पे तो इनका फोकस ही नहीं है, बस जात पात की राजनीति कर रहे हैं, दलित महादलित सबको बांट रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं, अलग अलग खंड खंड में कर रहे हैं सारे चीज़ों को। नीतीश कुमार का जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए था, ये 15 साल से बिजली ला दिए, बिजली ला रहे भाई, कब तक इस चीज़ को लाइएगा? बिजली ला दिए, रोड बनवा दिए, इसके अलावा क्या किए? आज आप बता रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। वास्तविकता यही है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। 46% जो युवा है वो बेरोजगार है। तेजस्वी जी ने अच्छा सवाल किया है इनसे, ये तो दोबारा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्या कर रहे हैं भाई? वास्तविकता पे आइए ना, क्या कर रहे हैं? कर तो यही रहे हैं, बस जात पात में बांट रहा है। ये महादलित है, मर गया, इसको एक रोजगार दे दो, ऐसा किसी भी सरकार में हुआ है? किसी भी राज्य के बारे में बता दिए जिस राज्य में ये हुआ हो कि दलित की हत्या हो गई तो उसको एक सरकारी नौकरी दे दिया जाए? अरे सवर्ण भी हैं भाई, सवर्णों में भी गरीब लोग हैं, उस चीज़ों को भी तो देखिए ना। यदि नौकरी की बात होती है, रोजगार की बात हो, तो सारे लोगों पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जाति विशेष पर होना चाहिए, या वो दलित हो या महादलित हो या सामान्य कैटेगरी से हो, सारे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की कुछ फोकस नहीं है। यदि हम युवाओं की बात की जाए तो हम युवा यही चाहेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए। तेजस्वी की जहाँ तक बात है, व्यक्तिगत तेजस्वी ठीक है, लेकिन तेजस्वी की जो बैकग्राउंड रही है जनता यहाँ की नहीं, थर्ड फ्रंट की सरकार बननी चाहिए। यहाँ स्थानीय विधायक अवनीश कुमार थे, अच्छे थे, उस समय लोगों को कुछ ना कुछ विकास मिला है, कुछ ना कुछ कामें यहाँ हुई हैं, लोग खुश थे स्थानीय स्तर पर। यहाँ तो विधायक से छोटा मोटा पैर भी नहीं हो पा रहा है। लोग जो चीज़ एक्सपेक्टेशन करता है ना भाई, कि हमारे विधायक है, इनसे हमारा ये काम हो जाना चाहिए, उस तरह की भी काम नहीं हो रही है। क्या उम्मीदें थी बिहार में आपको और आपके विधायक से, क्या उम्मीद थी आपको? बहुत सारे उम्मीद होता है, जैसे जैसे स्थानीय लेवल पर काम होना चाहिए, सड़क बिजली मुख्य नहीं और सारा समस्या रहता है, क्या बाढ़ है, स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। जो भी हमारे क्षेत्रीय नेता है, सारे नेता को जातिवाद के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि सचमुच समाज का विकास चाहते हैं तो जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद कब तक कीजिएगा भाई? जातिवाद कर करके जब फोड़ फोड़ के आप राजनीति कर रहे हैं, जनता भी जाग चुकी है। अब ये चीज़ आ चुका है सब लोगों की, नहीं ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, अब नहीं बनना है बेवकूफ़, मतलब अब नहीं बनना है, नहीं बिल्कुल नहीं बेवकूफ़ बनेगा। यहाँ के विधायक की जो स्थिति है, निश्चित रूप से वो हारने जा रहे हैं चुनाव, नहीं हारने का कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न नहीं। अगर फिर भी पार्टी टिकट देती है तो फिर भी हारेंगे चुनाव वो? अच्छा, अरे जनता जागरूक हो चुकी है, हमारा युवा जागरूक हो चुकी है। नहीं होगा, निश्चित रूप होते उनको नहीं होगा, यहाँ नहीं जब होगा तब सरकार चेंज होगा। हाँ क्या सरकार चेंज होगा? हाँ उनके हिसाब से सरकार चेंज होगा,
भाजपा का फिर हार होगा, फिर उनको पार्टी में रखा जाएगा तो भाजपा का ही हार होगा। फिर अगर बीजेपी फिर से अगर टिकट देती लाल बाबू गुप्ता को, निश्चित रूप से उनकी हार होगी, क्योंकि उन्होंने कभी विकास नहीं की है। तो ये जनता कह रही है, जरा ध्यान से सुन लीजिए विधायक जी, ये आपके क्षेत्र की जनता कह रही है, जिन्होंने बड़े ही उम्मीद के साथ वोटिंग की थी और पिछले 5 साल पहले आपको बिहार विधानसभा के सदन तक का रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते से आप भटक गए, तभी ये जनता आज आपके खिलाफ है। ये तभी ये जनता आज आपके तमाम विकास की उस योजनाओं को गिना रही है जिसने, जो कभी आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब आपको सोचना होगा, पार्टी को सोचना होगा। निर्दलीय को यहाँ वोट देना लोग पसंद करेगा, लेकिन इस विधायक को वोट देना पसंद नहीं करेगा। ये निश्चित सीट लूज कर जाएगी, सीट लूज कर जाएगा। सर हम कुल तरह आसन बंद है गरीब के, 8 महीना से यही बुनियादी सुविधा है, यही सुविधा है हम लोग को, मिलना चाहिए इनको नहीं मिल रहा है, ये राशन नहीं मिल रहा है 8 महीना से। काम जमीनी स्तर पर होता है ना, पहले मिलना का, एक बाद में फिर कट गेल बार ना मिले जा। बताइए, गरीब ऐसा गरीब है जिसको राशन कुछ दिन से नहीं मिल रहा है, आज से नहीं कुछ दिन से, ये करीबन 10 साल से भी बहुत आदमी ऐसा 4 आदमी है जिसको राशन मिल ही नहीं रहा है, कोई सुविधा ही नहीं राशन का, चारना ऐसा है बिल्कुल कि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। स्थानीय विधायक को फिर से अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से उनका हार होगा, और पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को अगर पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से यहाँ लीड करने जा रहे हैं। अगर स्थानीय विधायक अगर को टिकट देता है तो शायद उनका खाता भी न खुले, ऐसी बात हो सकती है। बिल्कुल, तो सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये रास्ते, यही रास्ता है जो आपको सदन तक पहुंचाया है, यही वो रास्ता है जो आपको सदन का मुंह दिखाया है। विधायक जी बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये तस्वीर है आपके इलाके की, ये तस्वीर है आपके इलाके की, जहाँ से होकर हर वर्ग के लोग जाते हैं, पार करते हैं, तो ये छोटी सी तस्वीर है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। सरकार बहुत ध्यान से देख ले, क्योंकि अब वक्त बदल रहा है, जनता के पास, जनता जनार्दन होती है और इस जनार्दन जनता से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, यहाँ के सीट अगर ले आना है भाजपा को तो अवनीश बाबू को जैसे यहाँ पर लाइए, यह सीट सुरक्षित तभी होगा, अन्यथा यहाँ भाजपा किसी भी सूरत में नहीं आगे बढ़ेगा। स्थानीय विधायक को हम लोग बहुत बार कंप्लेन कर किए थे, लेकिन उनका कोई सुनवाई ही यहाँ पर नहीं हुआ, और सांसद तो गढ़ी माई है, कोई काम हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, इसलिए यहाँ पर अगर विकास करवाना है, सीट ले आना है, तो इनको इस बार ला करके इस क्षेत्र का विकास करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व विधायक जी को लाना। पूरे हिंदुस्तान में जब बीजेपी का कोई नहीं पूछने वाला था, तो हमारे अवनीश बाबू इस पार्टी को आगे बढ़ाए, और फिर इनको ले आइएगा तो बिहार में जितना जितना सोचते हैं उससे अधिक सीट मिलेगा। हाँ, इनको बोले हम उसको समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बदलाव होना चाहिए। हाँ, पुनः अवनीश कुमार सिंह को लाया जाए यहाँ पर। बहुत पुरानी बात है जी, कि पटना जैसे गांधी मैदान में माननीय कैलाशपति मिश्रा ने कहा था कि अगर अवनीश नहीं रहता तो आईएसआई का कोई नाम नहीं जानता। हाँ, वह अवनीश बाबू को इस बार टिकट दे करके आप लोग जिंदाबाद कीजिए, तभी आपका इस क्षेत्र में विकास होगा। यह चैलेंज है कि अगर इस शख्स को दीजिएगा तो यह धजा फहरा देगा, इसमें कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल, तो देखा आपने कि ये जनता चिड़ैया की जनता है, जिन्होंने मन बना लिया है, लेकिन वक्त अभी बाकी है, क्योंकि चुनाव के दिन ही तय हो पाएगा कि जनता का मूड क्या है और जनता क्या चाहती है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, चिड़ैया विधानसभा।